आज हम बनाएंगे तंदूरी चिकन, वो भी मेरे स्टाइल में। इतना क्रिस्पी और जूसी बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर मैंने 1 किलो बड़े बड़े पीसेस कटवा कर चिकन लिया है, अच्छे से वॉश कर लेंगे। डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच कर्ड, आप चाहें तो हंकर्ड करके डाल सकते हैं। जिंजर गार्लिक का पेस्ट, थोड़ा सा सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर लेंगे और किचन किंग मसाला और गरम मसाला डालकर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला जो है कोट हो जाए। और लेग पीस को उठाकर इस पर कट देंगे ताकि स्किन के अंदर मसाला चला जाए। जो पीस आपको बड़ा लगे थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से कट कर देंगे और ऐड करेंगे इसमें ग्रीन चिली चॉप्ड की हुई, मिक्स करेंगे। और इसके साथ हम ऐड करेंगे शान का चिकन टिक्का मसाला 2 बड़े चम्मच, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और लेमन स्क्वीज किया हुआ डाल देंगे, 1 लेमन डालना है। मिक्स करेंगे अच्छे से और लास्ट में हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर 2 से 3 बड़े चम्मच। कॉर्नफ्लावर हमने लास्ट में डालना है ताकि इसके ऊपर कोट हो जाए और जो भी इसमें पानी होगा ये सोक कर लेगा। और ये चिकन मैरिनेट हो चुका है और इसके ऊपर थोड़ा सा कसूरी मेथी डालकर इसको ढक कर रख देंगे फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए। और एयर फ्रायर को मैंने गरम कर लिया है, प्री हीट किया है। इसके ऊपर ऑयल अप्लाई करेंगे और चिकन के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और चिकन के पीसेस को एयर फ्रायर में डाल के 180 डिग्री में 30-40 मिनट करने के बाद ये हमारा क्रिस्पी चिकन बनकर तैयार हो गया। इस वीडियो को देखकर आपको बाहर से तंदूरी चिकन मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं है, घर पर बनाएं और यमी यमी हेल्दी चिकन खाएं। सो एंजॉय।